तो देखिए, रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में जो ब्रॉड दो क्लासिफिकेशन है, एक साइड पे खड़े होंगे रैशनल नंबर्स और दूसरे साइड पे खड़े होंगे इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अगर आपको याद होगा, प्रूव दैट रूट टू इज़ अ इरैशनल नंबर, जब हम वो प्रूव कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। सैम जी आपको याद है, दो प्रॉपर्टीज थी, बताइए। ओके, शाबाश। दूसरा क्या बोला था? लिख लीजिए, ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, बट एनीवेज आपकी बुक में यही लिखा होगा तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। अब ये पी अपॉन क्यू लिख लीजिए या ए अपॉन बी लिख लीजिए, यूजुअली आप जब बुक्स में कभी भी पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में तो आप लिखा रहेगा कि रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू, ऐसा ही लिखा जाता है, वेयर पी कॉमा क्यू। अगर आपने सेट्स किए हैं तो आपको याद होगा ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, अगर नहीं याद तो आप समझ लीजिए, ये बेसिकली आप सेट थ्योरी में आपको कराया जाता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। आई का मतलब सिंबल है इंटीजर का, इंटीजर का, ये इंटीजर का सिंबल है, इसको आई भी लिख देते हैं और इसको बेटा जेड भी लिख देते हैं। याद रखिए, सलीना ने क्लास टेंथ की बुक में इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया है। टेंथ में आप पढ़ोगे तो टेंथ में अगर मेरे पास दोबारा से आ गया तो मैं आपको बताऊंगा कि यार वो नाइन्थ में जो आई लिखा गया था उसको जेड भी लिख देता है। नहीं समझ में आया, यूजुअली अच्छी बुक्स में इंटीजर्स को जेड ही लिखा जाता है। अब क्यों जेड लिखा जाता है सैम जी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? वो मैडम कोई जर्मन वर्ड है, जो जर्मन वर्ड है ना उसमें इंटीजर्स की जो जर्मन ट्रांसलेशन है वो जेड से, वो वर्ड जर्मन में जेड से शुरू होता है। यूरोपियंस का जो मैथ्स है वो हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने तब से इंग्लिश का जो इंटीजर्स है वो वहाँ जाके जेड है, जैसे साइंस में हम सोडियम का एन ए लिखते हैं ना। नहीं समझ में आया, क्या दिखाना चाहता है भाई तू मुझे? हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर से देख लीजिए, ये डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। तो पहला ये, और दूसरा जो यूजुअली लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम वो दो नंबर्स होते हैं जो आपस में बात नहीं करते, दे आर नॉट प्राइम, इट इज़ नॉट एज इफ दे आर प्राइम। श्रेया जी नहीं समझ में आया, क्या समझ आया श्रेया जी? बहुत बढ़िया। देखिए, प्राइम का नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो डिविजिबल होते हैं किससे किससे, बाय वन और बाय देमसेल्व्स, लिख लीजिए। तो वो नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय वन और बाय देमसेल्व्स ओनली, नहीं समझ में आया सुखी जी? सो फॉर एग्जांपल बेटा 23 है, और 23 या तो वन से या 23 से, नहीं समझ आया बच्चा? उसी तरह अगर आप 19 देखेंगे तो 19 या तो खुद से डिविजिबल होगा या वन से होगा, नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? मित्रों डाउट है? ये डेफिनेशन भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक टॉपिक आएगा क्लास टेंथ में प्रोबेबिलिटी, उसमें ना ये प्राइम नंबर से बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। प्राइम का अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट। कि मैं आज अभी ये लेक्चर में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी आपको नाइन्थ टेंथ या जब तक आप मैथ्स करते हैं तो तब तक आपको याद होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में बेटा आपको वॉवल्स के कराए थे, कॉन्सोनेंट्स कराए थे, नहीं कराए थे? कहाँ सर, ऐसे ही चल रहा है सर, आप ही बताइए। मिश्रा जी बताइए, वॉवल्स क्या होता है? उत्तरी। कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, मास्टर को भी नहीं पता तो मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मास्टर को खुद तो आता नहीं है, वो उसको क्या पता होगा, वो तो मैथ्स पढ़ाने वाला है। वॉवल्स देख लिए, ठीक है, ठीक है। इसके सिवा जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट्स, नहीं समझ में? तो उसी तरह यार जब हम मैथ्स में आते हैं तो कुछ नंबर तो प्राइम हो गए, तो प्राइम को छोड़ के जो भी नंबर हैं उनको क्या बोला जाता है? को प्राइम नहीं दादा, कंपोनेंट्स, कंपोजिट्स, मेरा मैथ चलना शुरू हो गया, कंपोजिट्स, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट्स। मित्रों कोई डाउट है? ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये डेफिनेशंस आपको, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर तक
इन पे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो एकदम पक्का होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से या वन से डिविजिबल होते हैं। श्रेया जी समझ आ गया? इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये नोट कर लीजिए, वन इज नॉट प्राइम और दूसरा टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये दो बड़े प्यारे से फैक्ट बनता है। मित्रों कोई डाउट यहाँ तक? कोई दुख क्लेश वेदना? तो कहने का मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से या खुद से डिविजिबल होते हैं। उसके सिवा जो भी नंबर्स आपको घूमते फिरते मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट्स। यहाँ तक क्लियर है? प्राइम, कंपोजिट और तीसरा एक और नंबर आ जाता है, एक और कई बार आपको ये वर्ड यूज़ आएगा, को प्राइम। अब को प्राइम जो है वो आपको बताया था, क्लास का वो बच्चा है जिससे आप बात ही नहीं कर पाते, आपको लगता है इससे क्या बात करूँ, जैसे 32 और 45। अब 32 क्या प्राइम है? नहीं। 45 क्या प्राइम है? नहीं। बट अगर 32 अपॉन 45 लिखोगे तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है सैम जी क्या है? वन। नहीं समझ में आया? सैम जी डाउट है? छोटा सा डाउट तो नजर आ रहा है, तो फिर बहुत पूछते क्यों नहीं हो? सुखी जी नहीं सर समझा, मतलब कैसे बोलो इसको? नहीं सर समझा या बीच में कॉमा लगा के बोलूं? मिश्रा जी आपको, मिश्रा जी मैडम को को प्राइम, दो को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल दीजिए सिमोन जी को। श्रेया जी बताइए, नहीं आप एग्जांपल दे दीजिए। सुखी जी आप एग्जांपल दे दीजिए। सैम जी आप एग्जांपल दे दीजिए। मिश्रा जी पूछ ही बोलिए। 16 अपॉन 67 यार मुझे लग रहा है 67 खुद से प्राइम है, तो 65 ले लेते हैं आई थिंक, ये ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया? तो सिमोन जी देखिए, क्या 25 प्राइम है? नहीं। क्या 18 प्राइम है? नहीं, प्राइम तो नहीं है। बट जैसे ही आप 25 अपॉन 18 लिखते हैं, अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या है? वन है। तो को प्राइम लिख लीजिए, को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज वन। नहीं समझ आया? समझ जी अभी भी समझ नहीं आ रहा? ओके, तो जैसे आपने ये लिखा 24/35, तो समझ जी ना तो 24 प्राइम है ना 35 प्राइम है, बट 24 अपॉन 35 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। नहीं समझ में आया? इसलिए दोनों जब इकट्ठे बैठते हैं टेबल पे, दे डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, चुप करके बैठे हैं। बोथ ऑफ देम वुड बी टॉकेटिव बट आपस में नहीं बनती। नहीं समझ में आया? अरे कई बार किसी से मिलते हो यार, तो मम्मी पूछती है ना कि क्या बात की, आपने बोला कुछ था ही नहीं बात करने के लिए, कई बार हो जाता है ना ऐसे, तो फिर मम्मी बोलती होगी मेरे से तो इतनी बातें करती रहती है, घर तो चुप नहीं रहती, वहाँ जाके कुछ बोल ही नहीं रही थी। नहीं समझ आया? अरे कई बार शादी शुदी या किसी के घर आप गए होगे तो मम्मी ने आके बोला होगा ना, तू कुछ बोल ही नहीं रही थी वहाँ पर। नहीं समझा? बिकॉज उस सिचुएशन में यू हैड नथिंग टू टॉक अबाउट, तो आप और उस घर में या जो भी लोग थे उनसे आप कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, सो दैट इज वाई यू बिकेम अ को प्राइम विद देम, अदरवाइज आप बातें करते हो। नहीं समझ आया? तो बात कहाँ से चली थी? बात चली थी यहाँ से, जब हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में आपको ये बताया गया कि नंबर्स कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर को प्राइम। नहीं समझ में आया? मित्रों रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तैयार है? कोई डाउट है? पक्का? अच्छा, एक तो आपने अभी हमने काफ़ी तीन प्रूफ हमने कर लिए कि सर रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, तो सर्च पे काफ़ी हमने वो भी कर लिए, एग्जांपल्स भी कर लिए। तो ये जो भी नंबर्स हैं जिनका रूट नहीं निकलता उनको क्या बोल दिया जाता है? को प्राइम। उनको क्या बोल दिया जाता है? इरेशनल। नहीं समझ में आया? सो फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर आपको दे दिया जाता है रूट फोर, रूट फोर का तो निकलता है, तो ये तो टू के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? पक्का? बट जैसे ही आप एट पे जाते हैं तो एट पे देखिए क्या होगा। अब फोर तो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये तो बाहर निकल जाएगा, एट के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे? टू इंटू टू इंटू टू, टू टू द फोर, फोर टू द एट, पेयर बन गया, टू इंटू टू का पेयर बन गया, वो बाहर निकल गया और एक टू अंदर फंसा रह गया, तो टू रूट टू जो है वो फिर से क्या बन गया? इरेशनल नंबर। मित्रों नहीं समझ में आया? तो किसी को डाउट है? पक्का?
उसी तरह अगर आप ये लेंगे 2 + √2, अब 2 तो रैशनल नंबर है बट जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, तो 2 + √2 जो है वो क्या बन गया, इरेशनल नंबर। नहीं समझ में आया? उसी तरह अगर माइनस होता तो ये भी क्या बन जाता, इरेशनल नंबर। मित्रों को समझ नहीं आ रहा, अध्यापक अपने आप ही, ही इज़ ऑन हिज ऑन ट्रिप, आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग। नहीं समझ में आया? तो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब इसमें थोड़े से आपसे जो मतलब ब्रॉडली हमें डेफिनेशन तो समझ गई, बट जैसे 5 है, 5 कैन बी रिटन एज 5/1, जो 0 है वो रैशनल नंबर है। -5 कैन बी रिटन एज 5/-1, या इट कैन बी रिटन एज -5/1। तो ऐसे आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ 5 क्या रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, -5 रैशनल नंबर है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। आप ये मत सोचिए कि रैशनल नंबर का मतलब होता है जब फ्रैक्शन में लिखा जाए, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचना शुरू कर दीजिए कि जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं वही रैशनल नंबर ज़्यादा, भाई ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? पक्का? मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, बट मैं अभी आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए कि होल नंबर कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स। नहीं समझ में आया? और एक डिफरेंस जो है जो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, एटलीस्ट मुझे बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, होल नंबर्स शुरू होते हैं ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? तो सुखी जी, ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। मेरी बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में? पक्का? ओके। जीरो जो है क्योंकि पार्ट ऑफ होल नंबर है, तो ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर्स। अब होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर आप देखेंगे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इंटीजर्स में जो हैं उसमें क्या इंक्लूड कर लिया जाता है, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोलेगा कि बेटा एक बात बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं बोलूँगा 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं क्योंकि ये शुरू हो रहे हैं यहाँ से। फिर मेरे से कोई पूछता है कि सर बताइए होल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, सो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये शुरू हो जाएंगे। और मेरे से पूछा जाए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में सिर्फ ये है कि आप -1, -2, -3, -4 और ये सब भी इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? सुखी जी पक्का? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तो एक दो शायद एक MCQ बन जाए, बट एक चैप्टर आएगा क्लास 10th में आएगा, शायद क्लास 9th में भी है, प्रोबेबिलिटी करके आता है, चैप्टर आता है, उसमें भी, उसमें जब है ये डेफिनेशंस बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। मित्रों को डाउट है? मैं देख रहा हूँ उसमें, नहीं 9th में आते कि नहीं है, क्या कराया था मैंने आपको, आपको प्रोबेबिलिटी कराया था? अच्छा 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 हाँ, नहीं प्रोबेबिलिटी आपको नहीं है, नहीं है 10th में आएगी, 8th में थी, 8th में थी, तो भी मुझे लग रहा था कि शायद है भाई, याद कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ओके। तो अब देखिए इसके बाद जो आपको जो चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू है। ऑल द होल नंबर्स, ऑल द, मेरी बात समझ आएगी? मेरी बात समझ आएगी? तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं। नहीं समझ में आया? और ये जो अभी तक आप इंटीजर्स पे पहुंचे, वो इंटीजर्स पे पहुंचे आप, ये सारे नंबर्स आपने इंक्लूड कर लिए, ये सारे के सारे नंबर्स आपने इंक्लूड कर लिए, ये वाले। और ये है नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। तो रैशनल में आप दो तरह के नंबर्स बना सकते हैं सिमोन जी, एक तो रैशनल में सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल रैशनल नंबर के पार्ट हो गए, बट जो फ्रैक्शंस हैं मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शंस और नेगेटिव फ्रैक्शंस, मतलब ऐसे वाले 3/5 और -3/5 और 17/-15, ये तो फ्रैक्शंस हैं, और ये जो फ्रैक्शंस हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं। मेरी बात ही समझ आ रही? तो बेसिकली होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, ये सारी की सारी जो दुनिया है, ये सारी की सारी दुनिया किसकी है, रैशनल नंबर्स की। नहीं समझ में आया? और जो रूट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं इरेशनल नंबर्स में। मित्रों को डाउट है? वो क्लेश वेदना। और ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलके क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। मित्रों डाउट? पक्का? तो क्या इंटीजर्स रियल नंबर्स होते हैं? जी हाँ। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जी हाँ। क्या इरेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? जी नहीं। नहीं समझ में आया? पक्का? जो इरेशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स नहीं हैं, जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स इन सबके पिताजी हैं। नहीं समझ में आया? यूजुअली एक फोटोग्राफ अगर आप
जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आप मैथ्स को फॉलो करते हैं, वो हैशटैग मैथ्स को फॉलो करते हैं, तो ऐसी ना एक फोटो बढ़िया आती है, शायद आपने कभी देखा हो कि ऐसे करके उनमें रियल नंबर लिखा होता है। अरे सर इंस्टा पे मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ती हूँ, क्या आप बात कर रहे हो आप। ऐसे इरेशनल नंबर यहाँ पर लिखा होता है और ऐसे रैशनल नंबर यहाँ लिखा होता है, और ये रैशनल के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, क्या क्या नज़र आएगा आपको, इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। मेरी बात नहीं समझ आ रही सलमान जी? शायद कभी इंस्टाग्राम पे आपने हैशटैग मैथ्स को अगर फॉलो करते हो तो कभी देखा हो। नहीं समझ आया? मिश्रा जी देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप, बाई गॉड इंस्टाग्राम में मैथ्स के लिए मैं खोलता हूँ, चलो वाली बातें कर रहे हो। ये समझ आ गया, कभी ना कभी देखोगे इसको। समझ आया? यहाँ तक शांति? ओके, थोड़ा सा ज्ञान और, ज़्यादा नहीं, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है तो मैं एक बार आपको करा देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर बाय अ नॉन रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ ऑलवेज अ नॉन जीरो, नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो वो बोल रहा है कि सर अगर आप दो रैशनल नंबर लोगे ना, उनका अगर आप एडिशन करोगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा, अगर दो रैशनल नंबर लोगे उनका अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो रैशनल नंबर होगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी रैशनल होगा, और डिवीजन करोगे तो भी रैशनल होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? जब आप डिवीजन करोगे तो उसमें एक बात जो आपको सिर्फ याद रखनी है, वो सिर्फ ये याद रखनी है कि डिवीजन जो आपने करनी है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इट शुड बी अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। कोई डाउट है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में? कोई डाउट है? आपकी नई एडिशन में ये जो लिखा हुआ है, ये पेज थ्री पे लिखा हुआ है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पेज थ्री पे लिखी हुई है। जी जी, क्योंकि जीरो से डिवीजन मैथ्स में अलाउड नहीं है। नहीं समझ में आया? तो ये जो मैं, ये तो पुराना एडिशन है, आपकी नई एडिशन में यही जो ज्ञान लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पेज नंबर थ्री पर, और सेम ही लाइन लिखी हुई है, सेम ही लाइन लिखी हुई है कि सम एडिशन इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, वी से दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज फॉर एडिशन, सेम वे रैशनल नंबर इज क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। गोली मारिए, यहाँ तो कोई डाउट? तो सौ बात की एक बात, दो रैशनल नंबर को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, वो रैशनल नंबर ही बनेगा, डिवीजन में सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दुख क्लेश वेदना? ओके, तो नए एडिशन पे पेज नंबर फाइव पे आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर देख लीजिए, देखिए, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एक्सेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैनॉट बी ऑब्टेंड। नहीं समझ में आया सुखी जी? मतलब इसका ये हुआ कि रूट एम इज इरेशनल इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब, अगर फोर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो फोर जो है वो इरेशनल होगा, बट फोर का तो स्क्वायर रूट है, तो रूट फोर जो है वो तो रैशनल है, बट जैसे रूट फाइव है वो क्या है, इरेशनल। मित्रों नहीं समझ में आया? बट रूट 25 अगर आपको दे दिया जाए तो वो रैशनल है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई, यहाँ पर भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि रूट 36 बताओ बेटा रैशनल है या इरेशनल है। नहीं समझ में आया? पक्का? अब उसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, कुछ दिन तक तकलीफ रहेगी, जब इंडाइसिस करेंगे तो वो तकलीफ भी चली जाएगी। स्क्वायर रूट तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हो, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक डाउट होगा क्यूब रूट को लेके, मैं समझा देता हूँ, बट ये जो डाउट है जब इंडाइसिस करेंगे तभी जाएगा। तो क्यूब रूट में तीन पेयर होने चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट में दो पेयर होने चाहिए ना। नहीं समझ में आया मित्रों? इसमें जैसे दो होते हैं ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, शाबाश, 3 × 3 × 3। ये जो छोटा सा 3 लिखा हुआ है ये क्यूब रूट का 3 है। समझ जी नहीं समझ में आ रहा? मिश्रा जी समझ नहीं आ रहा? मिश्रा जी, स्क्वायर रूट जो होता है ना, अगर आपको हल्का सा याद होगा, मैंने जब हम ये सब तामझाम शुरू कर रहे थे आपको बताया था कि छतरी के बाजू में अगर कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि वो क्या है, 2, स्क्वायर रूट है। बट क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि 3 के पेयर बनने चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा, 3। तो ऑथर ये कह रहा है कि अगर आप ये 27 का स्क्वायर रूट निकालोगे जो कि 3√3 है, जो कि इरेशनल नंबर है। नहीं समझ में आया? बट क्यूब रूट जो 27 का है वो रैशनल नंबर है। सैम जी समझ नहीं आ रहा? सिमाओं जी समझ नहीं आ रहा? छतरी के बाहर नेचुरल नंबर अगर आपको नज़र आ रहा है, या छतरी के बाहर आपको फ्रैक्शन एकदम बढ़िया सी 7/3 करके नज़र आ रहा है, जैसे लेट अस अज्यूम ऐसे आपके पास ये है 49/9, तो ये किसके इक्वल है, 7/3 के, तो ये रैशनल नंबर है। नहीं समझ में आया? बट अगर ऐसा आ जाता √49/3, अब ये तो बाहर निकल गया न्यूमरेटर, बट बेचारा डिनोमिनेटर तो रह गया ना, तो फिर ये बन गया इरेशनल नंबर। नहीं समझ में आया मित्रों? दुख क्लेश वेदना? सर यार जी कन्फ्यूजन ऐड होती रहेगी, तो साथ साथ चलते रहिए। अब दिख रहा है? पक्का? तो इरेशनल नंबर पे वापस आइए, पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई
इरेशनल नंबर जो हैं वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, नेचुरल नंबर, इरेशनल, इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन. तो भाई जिनकी भी छतरी, जो भी नंबर छतरी के नीचे रह जाते हैं, उन सबको डाल दिया जाता है कि यार तुम तो इरेशनल हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है. नहीं समझ में आया? दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ इरेशनल नंबर. चिंता मत कीजिए, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तीन तरह की फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, तीन तरह की फ्रैक्शंस हमारे पास हैं. ये आपको मैं एक्चुअली अलग एक टॉपिक आता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये अलग टॉपिक आता है. मैं जान के इस लेक्चर में कवर नहीं करना चाहता, नहीं तो बहुत ज़्यादा रहता फैल जाएगा. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग. मैडम कुछ नहीं करेगी, पेज नंबर थ्री पे देखिए, पेज नंबर थ्री पे देखिए, पेज नंबर थ्री पे. सैम जी टॉमी को मत देखिए, पेज नंबर थ्री पे देखिए लिखा है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. ये आपको मैं अलग टॉपिक करा दूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ काम चलाने के लिए, गाड़ी को दौड़ाने के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि इरेशनल नंबर्स, दूसरे तरह के इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें, जो आपको याद होगा हमने रूट टू की वैल्यू देखी थी. रूट टू की वैल्यू जब हमने देखी थी तो अगर आपको याद होगा वो रूट टू की वैल्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है. इसको अभी ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको कल जब लेक्चर लूँगा तो मैं ये टॉपिक आपको अलग से करा दूँगा, तो आपको और समझ आ जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट को पेंडिंग रहने दीजिए. और तीसरा जो नंबर आता है वो नंबर आता है जैसा ये पाई है, पाई मतलब सर्कमफ्रेंस. सर्कल का अगर आपको याद होगा तो वो 2πr होता है, तो सर्कमफ्रेंस कैन बी रिटन एज पाई इनटू डायमीटर. मित्रों नहीं समझ में आया, क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है? डायमीटर. याद है नहीं यार? मिश्रा जी फंसे हुए हैं. मिश्रा जी ये रेडियस है, याद है? नहीं याद. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर. तो याद रखिए, कर लेंगे जब सर्कल आएगा तो कर लेंगे. याद रखिए जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. मिश्रा जी समझ आया नहीं यार? तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल है तो उसका डायमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर. बस छोटी सी बात है. तो अगर आप सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशो लेंगे किसी भी सर्कल का, तो वो किसके इक्वल होगा? पाई. और पाई जो है वो फिर से क्या है? इरेशनल नंबर. मित्रों नहीं समझ में आया पक्का? तो रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? भाई कुछ समझ आया नहीं आया? एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद रह जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगी तो क्या कर सकते हैं, सर थोड़ी फोड़ लेंगे. ये जो 22/7 आप पाई की वैल्यू लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है. मित्रों नहीं समझ में आया? पाई की वैल्यू आप मिलियन वैल्यू तक निकाल लीजिए, मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लीजिए, बिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू रुकती नहीं है, बावलों की तरह चलती रहती है. मित्रों को डाउट पक्का? यहाँ तक शांति है? ओके. और फाइनली देखिए इरेशनल की प्रॉपर्टीज, जो कि आपके लिए थोड़ी ज़रूरी हो जाएंगी नेक्स्ट टॉपिक के लिए. आज नहीं करेंगे बट आपको समझनी पड़ेगी. नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. कहने का मतलब अगर आपके पास रूट टू है तो उसका नेगेटिव माइनस रूट टू ऑफकोर्स इरेशनल ही होगा. नहीं समझ में आया? सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. कहने का मतलब अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर हुआ जैसे 2/3 और मेरे पास दूसरा इरेशनल नंबर हुआ ये, तो मिला के ये जो नंबर बनेगा ये क्या होगा? इरेशनल. नहीं समझ में आ रहा? और फिर प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. कहने का मतलब 3 × √5 क्या हो गया? 3√5. 3√5 क्या होगा? इरेशनल. मित्रों नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? तो बेसिकली हमने इरेशनल नंबर की, अच्छा उसने एक नोट भी लिखा हुआ है, नोट भी एक बार मैं 2 मिनट में आपको करा देता हूँ. सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल. इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन अगर टीचर को पत्थर मारा अपने क्लास में, मिश्रा जी ने अगर चौक मारा, तो ऐसे क्वेश्चन टीचर सिर्फ बच्चों को तंग करने के लिए पूछती है. मेरी बात समझ आए? यूजली ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से नहीं पूछे जाते, बट ट्रू फॉल्स में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेती है टीचर. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल, इसका मतलब समझ लीजिए. सो फॉर एग्जाम्पल अध्यापक कह रहा है कि 3 + √5 ये इरेशनल नंबर है, अब इसमें आपने ऐड कर दिया 6 − √5 ये भी इरेशनल नंबर है. दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया जा रहा है बट बन क्या रहा है? रैशनल. श्रेया जी समझ नहीं आया? तो ऑथर आपको ये कह रहा है और टीचर जो एमसीक्यू में पूछ लेगी वो ये पूछ लेगी कि दो इरेशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मुझे रैशनल नंबर मिल सकता है? मिश्रा जी आपका ध्यान नहीं है, मिश्रा जी वेट कर रहे हैं कब जाके गेम खेलेंगे. तो मिश्रा जी बोलेंगे हाँ हाँ दोनों इरेशनल हैं, ऐड करोगे तो इरेशनल ही बनेंगे, बिल्कुल ठीक है. नहीं समझ में आया? देयर आर चांसेस कि इरेशनल नंबर्स को ऐड करो और आपको क्या मिल जाए? रैशनल नंबर. मित्रों कोई डाउट? तो ऑथर ने आपको ये दिखा दिया, एग्जांपल से बता दिया. दूसरा आपका 9th का बोर्ड गया ना,
बोर्ड का पेपर है ना आपका 9th का, शायद बोर्ड का ही होगा। अरे बोर्ड मतलब बाहर एक्सटर्नल बन के आएगा, हाँ मोस्ट ऑफली वही होगा। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल, फिर से वो ये बोल रहा है कि यार पता नहीं है कि आपने दो इरेशनल नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, हमें कन्फर्म्ड नहीं है कि इरेशनल ही होगा। सो किसी बात समझ नहीं आ रही, फिर से देख लीजिए, ये तो हमने किया ही था रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर में, याद है? सुखी जी कैसे सॉल्व करते थे इसको? बहुत बढ़िया, माइनस रूट फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और फाइनली आपको क्या मिल गया? रैशनल। नहीं समझ में आया भाई, बात नहीं समझ आ रही भाई? चाइनीज़ कपल है तो बच्चा भी चाइनीज़ ही होगा ना, अमेरिकन तो होगा नहीं, उसमें तो कन्फर्म्ड है मेरी आप बात समझ रहे हैं कि दो रैशनल नंबर हैं, ऐड कर रहे हैं तो रैशनल नंबर ही बनने वाला है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में किया था ना कि सर दो रैशनल नंबर को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो वो रैशनल नंबर ही है। दो चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ ही होना चाहिए। नहीं समझा, अमेरिकन नहीं होगा, ब्लॉड एयर ब्लू आइज छः फुट का नहीं होने वाला। बट इरेशनल नंबर में ना डाउटफुल हो जाता है कि सर दो इरेशनल नंबर लिए, उनको ऐड किया, पता चला रैशनल बन गया, ये कहाँ से आ गया? तुम तो रैशनल नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, ये कहाँ से आ गया? बट है। उसी तरह दो इरेशनल नंबर्स किए, उनको मल्टीप्लाई किया, देयर इज अ चांस कि यू विल गेट अ रैशनल नंबर। मित्रों को डाउट? ये जो भी टॉपिक हमने किया, ये टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको 9th 10th में ज़रूरी रहेगा। अगर आप 11th 12th में लेंगे फिर तो बहुत ही ज़रूरी रहेगा, बट आपकी 9th क्लास में भी MCQ के एक या दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। नहीं समझ में आया मित्रों डाउट? तो लेक्चर हमने शुरू किया था यहाँ से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ से हमने लेक्चर शुरू किया, ये चार्ट से हमने लेक्चर शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, नॉन इंटीग्रल रैशनल्स, इरेशनल, रैशनल, रियल नंबर्स, कोई डाउट है? साथ में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कर ली। कल जब आप मिलेंगे, सुखी जी आप डाउट है आपको? कल जब हम मिलेंगे तो मैं आपको ये जो एक छोटा सा टॉपिक है जो डेसिमल्स वाला है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, ये तीन तरह के जो लोग हैं इनसे आपको मिलवा दूंगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू।